नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। खबरों से पहले एनबीसी के तमाम दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी नागरिक से लगभग 13 करोड़ की कीमती की कोकीन जब्त की गई है। बैग में कोकीन को छिपाया गया था। अजीत पवार के साथ जिन 9 लोगों ने रविवार को एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल होते हुए शपथ ली, उनमें छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, आदित्य तटकरे, धर्मराव अथरान, अनिल पाटिल और संजय बंसोड़े शामिल हैं। वृंदावन के प्रेम मंदिर में रविवार को बम की सूचना मिलने पर हड़कंप मच गया। मंदिर में बम की सूचना के बाद मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। प्रेम मंदिर के अंदर बम स्क्वाड, पुलिस और फायर टीम ने जांच की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के नेता के चंद्रशेखर राव के खिलाफ हमला बोला। केसीआर की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर बीआरएस इसका हिस्सा है तो कांग्रेस किसी भी विपक्षी बैठक में शामिल नहीं होगी। मणिपुर में हो रही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की ओर से पेश हुए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 355 रिलीफ कैंप है, वहां सुरक्षा बल तैनात है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मणिपुर पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र की सियासत में एक साल के भीतर ही 2 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों में टूट के बाद अन्य राज्यों में भी इसी तरह के कयास उठने लगे हैं। इसी कड़ी में बिहार से आवाज आई है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह की, उनका कहना है कि बिहार की सत्ता में काबिज जनता दल यूनाइटेड में भी टूट हो सकती है। रणबीर कपूर स्टार और फिल्म एनिमल की रिलीज की तारीख बदल दी गई है। फिल्म मेकर्स इस फिल्म को 11 अगस्त को रिलीज करने वाले थे। इसी दिन ओएमजी 2 और गदर 2 भी आ रही हैं। बॉलीवुड के मोस्ट क्यूट कपल में शामिल हो चुके हैं परिणीता चोपड़ा और उनके मंगेतर राघव छड्डा। हाल ही में ये कपल अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचा था, जहां श्रद्धा भाव के साथ माथा टेका। राघव का हाथ थामे परिणीति पूरी आस्था और विश्वास के साथ गुरुद्वारे पहुंची। अब राघव छड्डा और परिणीति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया हुआ है, जिसमें दोनों के गुरुद्वारे में बर्तन मांझकर सेवा करते हुए इन्हें देखा जा सकता है। भारतीय स्टॉक मार्केट हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। सोमवार को बीएससी सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी दोनों ही बढ़त के रुख के साथ खुले। सेंसेक्स ने जहां 65,000 अंक के आंकड़े को पार कर लिया, वहीं निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। आने वाले दिनों में केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के डीएमए इजाफे के साथ साथ एचआरए में भी बढ़ोतरी कर सकती है। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं लगातार चलता रहेगा। फिर से एक बार एनबीसी के तमाम दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।